हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल पे एजुकेशन में। आज उनकी नई वीडियो चौधरी इंश्योरेंस की तरफ से आपका एक अपडेट आई है, जिसमें हम तो कह सकते हैं पीएचडी के फॉर्म अपडेट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, किस तारीख में अपडेट हो गए, ऑनलाइन हो गए, तो इसका नोटिस जारी कर दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा। तो स्टेप बाय स्टेप करते लास्ट तक जानकारी लेंगे। ऑफिशियल नोटिस आपका आया है। और वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो इसकी कमेंट पर लास्ट को जरूर देखें और वीडियो जरूर सुने। तो देख सकते हैं जो भी आपके ऑफिशियल नोटिस होते हैं तो दोस्तों शीर्ष यूनिवर्सिटी साइट पर अपडेट हो जाते हैं। और थंबनेल में आपने देख लिया जो पीएचडी के फॉर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट आपकी कब ओपन हो गया है, तो नोटिस अपडेट हो चुका है। तो ओपन करके देख सकते हैं सभी डिटेल्स के अंदर सब मिल जाती है, तो कोई आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे देख सकते हैं जो भी अपडेट होगी तो सीनियर के माध्यम से और जो आपको देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको अपडेट मिल रही होगी। तो आज भी एक अपडेट आई है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं जो पीएचडी का फॉर्म है आपको जो भी अपडेट होगी आपको चेक करेंगे, अपना ओपन करेंगे पहले, तो न्यू टैब आपकी ओपन हो जाएगी। ये कैचअप कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। कैचअप कोड डालने के बाद आपको ये लॉगिन करना है, सबमिट करना है यहाँ पर। ये सबमिट करने के बाद आपके ये ओपन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों चौधरी इंश्योरेंस की विद्यालय की तरफ से मेट की तरफ से अपडेट आई है, 3 तारीख में अपडेट हुआ, 4 तारीख में लॉन्च कर दिया गया। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। देख सकते हैं इसमें वीडियो में क्या मिलने वाला है। तो पीएचडी फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म कह सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं। पीएचडी पाठ्यक्रम रसायन विज्ञान दे सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, तो वीडियो जरूर सुनेंगे। जो इसके सब्जेक्ट जो हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान से कर सकते हैं आप साइंस साइड की तरफ से, ऐसे गणित, अर्थशास्त्र व अंग्रेजी उपयुक्त श्रेणी में परिवेश हेतु सूचना के लिए जुलाई 2020 में आवेदन कर दिया गया है। तो इसके अनुसार अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो किस तरह आपको भरना है, कहाँ आपको साइट को भरना है, तो वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। स्टेप वीडियो से बने रहिए। विज्ञान एवं कला वर्ग के अंतर्गत कह सकते हैं विज्ञान और कला वर्ग के अंतर्गत रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित अर्थशास्त्र के पीएचडी उपलब्धि के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आग्रह विद्यार्थी को जो सीधे प्रवेश आईएससी छूट के अनुसंधान में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, तो किस साइड आपको जाना है दोस्तों, ये आपकी जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो इसके अनुसार अपना फॉर्म भर सकते हैं। कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आपको ये फॉर्म जो ऑनलाइन होंगे तो दोस्तों 5 तारीख में ऑनलाइन हो जाएंगे, और जिसकी लास्ट डेट होगी 15 जुलाई उसकी लास्ट डेट होगी। आगे पढ़ लेते हैं। सीधे प्रवेश सीआईटी से छूट हेतु निम्न अभ्यर्थियों के अनुमन्य जो किया गया जाएगा, चौधरी चरण सिंह विद्यालय द्वारा संबंध स्थिति शिक्षक जेआरएफ नेट, तो सीआईएसएफआर, आईएसएफआर गेट 95 अंक, तो अन्यथा केंद्र जैसे कह सकते हैं फिलोसफी, एनआरसी, सेना, आर्थिक सैनिक बल के अधिकारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तो चौधरी चरण सिंह विद्यालय मेरठ द्वारा आयोजित परिसंपत्ति के माध्यम से एमफिल 55% उपलब्धि प्राप्त की है, तो वह अपने फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उसका लिंक दोस्तों आपको दिखा देता हूँ आपको भी, तो इसमें जो लिखा गया आगे जानकर देख सकते हैं। उक्त श्रेणी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं वे अपने शोध पंजीकरण परिस फार्म विश्वविद्यालय की साइट पर शीर्ष यूनिवर्सिटी की साइट पर नियम से भरेंगे और फार्म के एक ही प्रति सेमेस्टर संकलन के साथ ही विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। तो किस साइट को मान दोस्तों फॉर्म भरना है, तो चलते हैं उस साइट पर आपको भरने के लिए। ऑफिस साइट आपको यहाँ पर दिखाई है, तो दोस्तों जैसे आप यहाँ साइट पर आएंगे लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ऑफिशियल ऑफिसियल आपको दिया गया नोट्स का भी लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रहने के बाद सिंपली आप क्या करना होगा, अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं तो आपका ऐसा डैशबोर्ड नहीं बनेगा, तो आपको ऐसा आना होगा राइट साइड को जाना होगा अपने फ़ोन के माध्यम क्रोम ब्राउजर में, या क्रोम ब्राउजर अपने यूज कर रहे हैं तो राइट साइड को जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिखाया जाएगा डेस्कटॉप साइज, डेस्कटॉप साइज आप क्लिक कर लेंगे, जैसे कंप्यूटर नहीं होता तो पूरा डेस्कटॉप साइज ही बना हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया देगा, नीचे आने के बाद थोड़ा सा स्टूडेंट सेक्शन पर आपको जाना है दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा एडमिशन डिसीजन फॉर्म, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कह सकते हैं अभी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकले हुए हैं एमएड के, एमफिल के, एमपीबीएड, बीपीएड के, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट चल रहे हैं तो आप वास्तव में भर सकते हैं। जो अभी आप पीएचडी का एडमिशन ओपन होंगे तो इस साइड पर यहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे तो यहाँ भरे जा रहे हैं, जैसे सकते हैं एमडीएस के, बीडीएस के यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं, एमडीएफ के, जितने आपके एडमिशन एग्जाम फॉर्म होते हैं आपको मिल जाते हैं। और जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं तो यहाँ आपको लिंक मिलेगा, जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो अप्लाई करने के लिए 5 तारीख से ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बनने के लिए। और अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म कराए जाएंगे तो 5 तारीख से, मैं आपको बताया 5 तारीख से ओपन हो जाएंगे, और जिसकी लास्ट डेट होगी दोस्तों, तो लास्ट डेट उसकी होगी 15 जुलाई।
और जिसकी फीस शुल्क दे सकते हैं, फीस शुल्क में क्या दी गई है जो आप कह सकते हैं, एससी एसटी में तो आपको दिए गए हैं, 250 रुपये करनी है ऑनलाइन, और आपको जो ओबीसी और जनरल की जो फीस है आपकी 500 रुपये पंजीकरण की फीस देनी होगी। तो ऐसे आपको ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरेंगे आप, फॉर्म भरने के बाद तुरंत अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप करते, तो उसकी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी सब फॉर्म भरना चाहते हैं तो नोट्स अपडेट हो चुका है। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं पीएचडी का, तो 5 तारीख में उनकी ओपन लिंक हो जाएगा, लिंक आपको दिखा दिया है, उस साइट पर आपको जाना है। फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तीसरे साइट पर आपको जाना होगा, स्टूडेंट सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट अगर आपने आते दिखा, स्टूडेंट सेक्शन में आपको आना दोस्तों, एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा, लिंक दोस्तों ओपन हो जाएगा आपको सामने, यहाँ पर दिखाई देगा बीटेक पीएचडी एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस आपको बता दिया, सिलेक्ट करने के अनुसार जिस सब्जेक्ट में दोस्तों भरना चाहते हैं फॉर्म, तो फॉर्म भर सकते हैं, नोट्स में आपको दिया गया है। राशन देगा जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में बच्चा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। किसी ने कोई समस्या आए आपको तो वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी, और किसी समस्या आपको आए तो हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई नई वीडियो अपडेट देखने के लिए, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी रोज जैसे आपका लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं। यही वो लिंक है दोस्तों, यहाँ पर अपना ओपन होगा और यहाँ अपना चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका लिंक ओपन यहाँ पर शो करेगा, अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी लिंक नहीं आया है, तो 5 तारीख में ओपन हो जाएगा, तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो के माध्यम कुछ भी डाउटफुल समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपकी हेल्प की जाएगी। मेरी कहना जो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो जिस सब्जेक्ट आपको दिए गए ना सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं, राशन विज्ञान, जंतु विज्ञान और अन्य अदर सब्जेक्ट जो हैं। धन्यवाद दोस्तों।